तारीख को माननीय मोदी जी द्वारा यह अपील की गई थी कि सारे जितनी भी जनता है भारत की वो जनता कर्फ्यू नहीं करें। इसी के बारे में हम एनडीए के संचालक रश्मि पठान जी से जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस प्रयास को कहाँ तक सही मानते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एनडीए से एनडीए और व्यापार मंडल भवन में मिलकर तो मुनादी करवाई थी कि सभी लोग अपने घरों में रहें और ये जनता कर्फ्यू का पालन करें। जैसे कि आप देख रहे हैं या पूरी मार्केट में देख सकते हैं आप, जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है और सभी लोग अपनी दुकानों से बंद करके अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज आ रहा है लोगों में कि आज सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आज इसका पालन किया है, उनके जो उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों से निवेदन किया था उसका समर्थन किया। आप सभी लोग घरों में जैसा कि आप देख रहे हैं तो लोगों ने समर्थन भी किया है, जिसके साथ साथ मोदी जी ने एक और अपील की थी कि जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर हैं, डेरियाँ हैं, ये खुली रहनी होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर मेडिकल स्टोर बंद हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी करें यार, मैं खुद से गया था एनजीओ के पदाधिकारी होने में, मैं खुद से मार्केट में गया सर्विस दिया अधिकतर मेडिकल घर में, एकता अधिकतर मेडिकल खुले हुए हैं। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि उन्होंने दिशा निर्देश को गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए था कि आने वाले समय में और जो भी देख रहे हैं इस कंडीशन में, तो बहुत ही घातक है, मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, उनका कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रशासन कार्रवाई होनी चाहिए।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।